नमस्कार, मेरे चैनल मीनू मारवाड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल की चटनी, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही जल्दी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने ये हरी मिर्च ली है, 3-4 इनको काट लिया है, और ये मूंगफली के दाने लिए हैं, इनको मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये मैंने इमली ली थी, ये गर्म पानी में 5-10 मिनट मैंने भिगो दी और इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये सूखा नारियल है, इसको मैं 1 घंटे गर्म पानी में भिगो दिया मैंने, और ये थोड़ा मुलायम हो गया है। अब इसकी आराम से हमारी चटनी पीस जाएगी। इन सभी की एक बारीक पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में, ब्लैक सी एक साथ में। इसका आप ब्लैक पार्ट हटा दोगे तो बिल्कुल वाइट दिखेगी। और ये लिए मैंने इधर मसाले। अब हमारी चटनी को हम छोंकेंगे। राई है, तेज पत्ते हैं, लाल मिर्च है और जीरा है। आप चाहे तो इसमें हींग भी ले सकते हो। पेस्ट हमें ऐसा ही चाहिए। इधर मैंने रिफाइन ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब डालेंगे इसमें राई, ये लाल मिर्च भी डाल दी मैंने, और ये कड़ी पत्ते भी डाल दिए। अब डालेंगे इसका पेस्ट, जो नारियल का पेस्ट बनाया था। और इसमें अगर आपके तीखापन कम हो तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दीजिए और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अगर इसमें आप कोई मसाला ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और इस चटनी में आप अगर मूंगफली नहीं डालना चाहते हो तो नहीं डालें, बिल्कुल नारियल की भी बना सकते हो। और इसको 2 मिनट पकाऊंगी। इस तरह से हमारी ये नारियल की चटनी तैयार है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये नारियल की चटनी बनके तैयार है। आप सभी ने देखा है वीडियो में कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हमारी नारियल की चटनी बन चुकी है, और ये इतनी ही टेस्टी भी है। और आप सब भी घर पे बनाइए और मुझे कमेंट करिए कि ये नारियल की चटनी आपको कैसी लगी। आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।